जी स्वागत है आपका बिल्कुल एक नई वीडियो में और बिल्कुल नए चैनल पे। यार पुराने चैनल की तो लग गई है, पता नहीं कैसे गलती से मुझे याद नहीं रहा पुराने चैनल पे। एक्चुअली हुआ क्या है यार, जो बजट ट्रैवलर वाला चैनल था उस पर हमारा कॉपीराइट आ गया यार। अब कॉपीराइट कैसे आ गया, मैंने बहुत पहले एक जयपुर का ट्रिप किया था, उसमें उस टाइम ठीक है नॉलेज भी नहीं थी यार, पता ही नहीं था, बट उस टाइम पे नहीं आया कॉपीराइट म्यूजिक पे, और अभी पता नहीं कैसे यार एक कॉपीराइट आ गया, दो वीडियोस पे आ गया बल्कि मेरी। तो वीडियोस तो मैंने डिलीट कर दी थी, बट एक फ्रेंड है अपने, उनसे मैंने बात करी तो यार वो कह रहे कि यार फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि मे बी आपको प्रॉब्लम आएगी चैनल मोनेटाइज होने में। तो उसकी वजह से यार अब चैनल फिर से नया बनाना, फिर नई मेहनत हमारे जैसे लोगों के लिए, तो यार 85 सब्सक्राइबर थे वो भी इकट्ठे करना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। भाई लिफ्ट मांग रहा है, पर यार कैसे दे दें लिफ्ट, हमारे साथ भी बंदे हैं अभी आगे से पिक करने हैं। तो यार आज एक छोटी सी जर्नी है, जर्नी क्या है, एक ट्रिप ही है लगा लो। तो मैंने कहा यार अकेले भी तो जाना ही है, बोर हो जाता हूँ हर बार, क्यों ना आप लोगों को साथ ले चलूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। हाउ आर यू, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे यार। तो आज हमने जाना है बेसिकली जलंधर, और काफ़ी टाइम हो गया है जलंधर मुझे गए हुए, बेसिकली जाना तो वैसे काम से ही है, तो काम के पर्पज़ से पहले भी जाते रहते हैं, बट अभी एक पर्पज़ बड़ा, मतलब एक वजह जो है बड़ी ज़बरदस्त है। मेरा थोड़ा काम है, किसी भाई का ज़्यादा है, तो चलते हैं देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। और मौसम आज बहुत बुरा हो रहा है यार, मौसम बहुत ठंडा है, मौसम में है आज ठंड, क्योंकि एकदम से कल तो भाई बड़ी गर्मी थी यार। देख रहे हो मैं शर्ट में ही हूँ, तो वैसे तो जैकेट में लेके आया हूँ बट पहने ही नहीं है, मुझे लगा शायद नहीं होगी इतनी, बट अभी लग रहा है कि यार ठंड होने वाली है ज़बरदस्त करके। मौसम दिखाता हूँ आपको, धुंध हो गई है। सुबह जब मैं उठा हूँ कोई अराउंड 7 बजे, मतलब उठ तो चलो जल्दी जाते हैं, बट 7 बजे तक वेदर बहुत क्लियर था, बट अगर आप अभी देखो तो बुरा हाल हो गया है, और मुझे लग रहा है कि आगे भी रोड्स वगैरह यार तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है पंजाब की तरफ, एक तो खेतों की वजह से यार, वजह से नहीं यार वो तो चलो बैटरी अच्छा है, बट खेतों के करके ना यार पानी वानी लगा रहता है, खेत गीले रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है वो, ओहो पुलिस चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट लगी है, इलेक्शनों का टाइम है, चेकिंग बहुत होने वाली है, तो हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं होता। अरे भैया I-20 वाले बड़ा स्लो चल रहा है यार, निकाले निकाले भाई, वो अजीब टोचन पाया, टोचन बाबू जी ने, ऑटो। तो यार मौसम हो गया बड़ा खराब, पहले तो सोच रहा था जल्दी से भगा के 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, बट अभी आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है 2-2.5 घंटे वाले हालात हैं। शायद कैमरे पे इतना नहीं समझ आ रहा होगा, बट रियली बहुत ही ज़्यादा खराब वेदर है, और यार ये एक लैंडमार्क था बेचारा, फ्लाईओवर बनने की वजह से ख़त्म ही हो गया है। अगर आपको देखने में लग रहा होगा तो ये एक बिल्कुल ताजमहल जैसी शेप है, क्योंकि ये होटल ताज ही था, डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाली थी, बट
यार लाइंस पंप पे भाई पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए हैं। भाई हमारा गया है पेट्रोल डलवाने, और ये है कोई 95 रुपये 93 पैसे। बड़ी धुंध है यार रोड पे, बड़ी दिक्कत हो रही है यार। कितना डलेगा डलेगा डलेगा, चलो डल जाएगा बेचारा। बाकी यार मौसम देख लो क्या ज़बरदस्त होया हुआ है, ऐसा लग रहा है आज ही मौसम सारा बिगड़ जाएगा। और ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ, ओ आ जाओ यार। कितना बन गया, चले जा रहा चले जा रहा, लग रहा है इसी में फुल हो जाएगा ये आज। पंजाब में वैसे मेरे ख्याल से सस्ता हो गया हरियाणा के मुकाबले। मैंने पिछली बार चेक किया था, पटियाला गया था अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने चेक करा था, मेरे ख्याल से सस्ता था। पूछा था बंदे से, मैंने कहा हरियाणा के मुकाबले तो सस्ता है, कह रहा हाँ। अब यार पंजाब में इलेक्शन है, जाए सी बात है, सस्ता है। मतलब 18 लीटर 84। चलो मौसम की कंडीशन खराब। स्कूल बस कहाँ जा रही है, इलेक्शनों में जा रही होगी पक्का, स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं। हॉली मैरी स्कूल बनोड़ नहीं यार, इलेक्शन ओ नहीं नहीं यार, स्कूल खुल गए मेरे ख्याल से। नहीं बुड्ढे बैठे हैं, बुड्ढे बैठे हैं। चलो इस सस्ती मस्ती मिल जाती है लोगों को ना। ऐसे इलेक्शनों में ना ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि स्कूल की जो गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट रहती है ना, वो स्कूल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे यूज़ कर लेती है। खराब मौसम, थोड़ा नहीं काम रोड साफ है। चलो भाई थोड़ा ही रह गया यार अब ना जलंधर, और मेरे ख्याल से यहाँ से कोई होना चाहिए ऑलमोस्ट 25-50 किलोमीटर के आसपास। थक गए हैं यार सवेरे से चला चला के, तो सोचा क्यों ना एक चाय का ब्रेक ले लें छोटा सा। भाई के फ़ोन आ रहे हैं बड़े ज़बरदस्त करके, पंजाब पुलिस सतर्क पुलिस, पंजाबी में लिखा गया अपने बस का है नहीं पढ़ना। तो जल्दी से चाय पी लेते हैं, चाय लेके फिर चलते हैं, पहुंचते हैं जलंधर यार। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बड़े टाइम के बाद ऐसे टेबल देखे हैं। बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया? एक आलू प्याज का परोठा, एक जो आप नहीं खा रहे, आप तो कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, मैंने आपका नहीं बोला। आलू प्याज के दो परौंठे लगा दिए यार, तंदूरी लगाने यार। मजाक हो जाता। ओ यार चाय तो फिर तभी दियो ना भाई परौंठे के साथ ही, अभी क्यों दे रहे हो? आ गए, चाय ठंडी होगी तो दोबारा लेनी पड़ेगी, तब मजाक हो जाता है यार। अभी इतना गंदा लगा भी देगा आज कितनी जल्दी, कैमरे की पूरी कमी पूरी कर देता है। कैमरे से भी ऐसे शॉट नहीं आते, परांठे मक्खन पता कौन सा? ये है नमक की डलियां, न्यूट्रलाइट। पर अब कहते हैं भाई अब ये भी बहुत महंगा हो गया और अमूल के रेट में हो गया,
अंकल ले आए अचार, ले आए चार 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 अंकल अचार ले आया भाई, ले आया ले आया ले आया ले आया, शुक्रिया जी अचार खाओ और निपटाओ। कौन सा अचार है यार ये अचार, दम तोड़ गया मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं है, ये अचार पचरंगा, पचरंगा वैसा। अचार मांगा बंदे से, अचार तो आया नहीं पर दाल जरूर दे दी बंदे ने, वो भी फ्री फ्री में। लोग आजकल जहर नहीं दे रहे हैं, अरे भाई ने दाल दे दिया, कमाल ही कर दिया। उम्मीदों से ही परे हो गया मामला, अब तो लग रहा काम बन जाएगा जिससे जा रहे हैं। खाने की चीज़ें सही मिल गई ना, बहुत बड़ी। चलो जी नाश्ता पानी अब हो गया, निकल लो जल्दी जल्दी, काफ़ी टाइम लगा दिया। टोल के हालात देख लो भाई क्या हो गए, फास्टैग लगाओ के भी कोई सुख नहीं हुआ, इतना जाम है यार बेहिसाब, समझ ही नहीं आ रही है करा क्या जाए, या तो वापस ले लिया जाए या किसी गांव के रास्ते से निकला जाए। क्या करें इसका, पता नहीं क्या बनेगा। ठीक है ठीक, सो मच जाम। टोल वाले अंकल बीच वाली लेन ही खोल दे, मतलब फास्टैग लगाने का क्या सुख है अगर इतना जाम देखना है। ये जो भाई साहब बीच बीच में गाड़ियां घुसा लेते हैं ना, ये मेरे को बड़े जबरदस्त लगते हैं। इन्हें वैसे देने चाहिए ट्रक चलाने को हाईवे पे, या इनकी भर्ती करानी चाहिए रोडवेज में। अरे 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 बम्पर जंप, यस हमारे सामने इतना कोई आगे लग जाए। दस मिनट हो गए इसी गाड़ी को खड़े हुए, तीन मिनट के बाद ना पेट्रोल का हमें देना। हाँ कर लो पंगा, अभी पता लग जाएगा, या तो इनके सिर में लट लगेंगे या हमारे लगेंगे, क्योंकि हमें देना पड़ेगा। हाँ ये बात है, हमें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हमें गलत हो रही है। मैंगो पीपल है ना, आम आदमी है ना, ये बात फाइनली निकल तो गए हैं ये है। चल भाई देंगे नहीं सरदार जी टोल, मेरे को लग नहीं रहा खुल गया वालो जी, खुल गया। शुक्र है शुक्र है शुक्र है, हमारी बारी में रुक गया। हाँ टैग लगा हुआ है, तो काटो फिर यार, हमने तो डाल रखे हैं ना भाई, मेरे तो बैलेंस में पैसे पड़े हैं। लो नया पंगा यार, चलो मुझे लग रहा काटे नहीं है, टाइम नहीं है इनके पास, चल ही नहीं रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहे इनके। वही तो बात ये था, काटे नहीं तो तू निकलन दे, वो देख रहा है ना कि वीडियो बना रहा है, पंगा तो करेगा। चलो ये भी सुख है भाई साहब व्लॉगिंग का, कि भी अगर आप वीडियो बना रहे हो ना तो इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। और देखो अगर ना वीडियो बना रहे होते ना अपन तो पक्का वो होना था, वो कहता अभी पैसे नहीं है इसमें। अब मुझे पता है ना मेरे टैग में तो पैसे हैं, काट भाई तू। तो ये बुरा हाल है यार टोल का देख लो, कि भाई आपके टैग में पैसे हो नहीं हो, इन्हें पता ही नहीं है, इनके सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहे हैं, कैमरे चल ही नहीं रहे हैं। वीडियो में आगे भी ठीक है, आजकल इलेक्शनों का भी टाइम है ना यार, कुछ ना कुछ तो इशू चाहिए ही है हाईलाइट करने के लिए। जलंधर पहुंच तो गए यार, पर ना जलंधर पहुंच के सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है पार्किंग, पार्किंग लगानी सबसे मुश्किल है। छोटा सा स्पॉट भाई ने दिखा तो दिया, अभी यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह ना गाड़ी घुमा घुमा के लगानी पड़ेगी, पता नहीं कैसे लगेंगे। रुक जाओ अभी लगाते हैं पार्किंग, पार्किंग 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 लगा देंगे आज। ये इन शहरों में भी पार्किंग मिल जाना किसी खजाने से कम नहीं है। ए हाँ ऊपर हो जा, ये थैंक यू सर। अभी तो पता नहीं पैसे कितने लेगा भाई। लो जी जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट ही पूरा कर गया, पार्किंग। ये पार्किंग है कोई नरेंद्र सिनेमा,
जलंधर, और बस स्टैंड एज यूजुअल हमेशा की तरह फेमस वीज़ा ऑफिसर्स के लिए, पर हमारा काम कुछ और ही आज, देखते हैं होता कि नहीं होता। उम्मीद तो बड़ी है, बड़ी दूर का सफ़र तय करके आ गए हैं और अब ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर बन ही जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी एक बार जाते हैं, फिर मिलते हैं, कोई बढ़िया सी चीज़ ट्राई करेंगे जलंधर की। काम खत्म, वापसी पर ना जी ना क्या जी, मज़ा नहीं आया। लो जी पहुँच गए वापसी भाई, चलो निकलते हैं फिर यार, लेट हो जाएंगे वरना वापसी जाते हुए। कुछ नहीं होना है। लो जी हवेली, पार्किंग कहाँ है इसकी, ये पार्किंग ही लग रही है मेरे को। हवेली ये हवेली नहीं है यार, धोखा हो गया। हाँ ये रही हवेली, ये रही पार्किंग, अंदर लग जाएगी हवेली। फ्री पार्किंग है वो, आजू फ्री है ये बात, फ्री पार्किंग है वही हवेली में। ये चीज़ मैंने खैर पहली बार देखी है, पहले आया हूँ यार, बट फ्री नहीं मिली मेरे को कभी भी। नहीं हमें फ्री मिली, हम पहले आए थे। अच्छा जी हाँ फ्री है जी, वो आ गई फ्री पार्किंग है यार हवेली में, तो मज़ा ही आ गया। क्या बात है, इनके साथ उनके साथ वो कराते ही नहीं ना। फ्री पार्किंग तो यार पर लगेगी कहाँ, सामने लगाएंगे नहीं, वहाँ से बैक होगी लगेगी। ये लो ये निकाल दिया, ना निकाल दिया, किस्मत अच्छी है लग जाएगी। आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ, वही थार। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब अभी ले लेंगे एक दिन, अब दिन नहीं पता वो कब आएंगे, पर अरे जल्दी आएंगे। आज पंजाब में और कुछ मिले ना मिले देखने को, शूटिंग मिल जाती है। बाउंसर बाउंसर खड़े हैं भाई, क्या पार्किंग एट योर ऑन रिस्क, पार्किंग फ्री है भाई, कुछ डिसएडवांटेज भी ज़रूर होगी ना अगर पार्किंग दे रहे हैं आपको, तो फ्री में सब कुछ थोड़ी दे देंगे। चलो जी ये सारा शूट वाला मामला चल रहा है मेरे को लग रहा है, चलो देखते हैं आगे जाके क्या मिलेगा। हाँ भाई साहब रश कमाल, लो जी चाय वाली पी ली अपनी, चाय और समोसे, बड़ा मज़ेदार सा मामला था। और अब जल्दी जल्दी गाड़ी निकाल लो क्योंकि जाना है बड़ी दूर, अभी बहुत लंबा रास्ता है। फ्री पार्किंग, पार्किंग फ्री पर अपने रिस्क पे, तो यार इतना खर्चा करा ही था तो रिस्क भी थोड़ा सा ले लेते भाई। आपको यार ये पता नहीं क्या मसला है इसमें, खुलती नहीं है यार, फोन के लिए है? फोन चेक करने पर यार अजीब सा ही लगता है ना। और फिर अपन ने क्यों किसी तरह की बहस में पड़ना है, अपना काम हो गया, बात खत्म है ना जी। अब यार ऐसे टंटों में पड़ते फिरेंगे, फिर तो चल लिया काम है ना। गड्डी थार है भाई साहब, कुछ नहीं करना इसे लेके, एक बारी लद्दाख भाग जाए है कुछ नहीं बाकी। अंकल जी बता रहे हैं भैया आगे से निकल जाओ, पीछे से नहीं जाना है, पीछे से। चलो होप्सो की जल्दी से पहुंच जाए जी। बंदा भी अपना चला गया और भयंकर जाम है देख लो। ये है जीरकपुर पटियाला हाईवे, ओ सॉरी पटियाला मोड़। अब इधर से मुड़ना तो वैसे अपने चंडीगढ़ की तरफ है और कोई चांस ही नहीं है कि हाँ हम किसी तरफ को मुड़ जाएंगे। और भाई साहब पीछे भी ज़बरदस्त करके जाम है यार, जबकि लाइटें हो रखी हैं वो देखो, टिम 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 बज रही है, पता ही नहीं लग रहा है जाना भी कहाँ को है। जाम है यार, इतना टाइम दो ना जलंधर से आने में नहीं लगा वापस, जितना भी यहाँ पे लग रहा है। चलो जाम से निकल जाए यार एक बारी, फिर मिलता हूँ। फाइनली यार बड़ी मुश्किल से भीड़ में से निकल तो आए हैं, और भाई
सफ़र शुरू करा था बिल्कुल रोशनी में सुबह सुबह धुंध के साथ, और अब वापस आ गए हैं और वापस आते आते अंधेरा हो चुका है यार। थैंक यू सो मच यार, अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे और आपको लग रहा होगा कि भी यार मैं कोई काम गया था, मैंने बताया नहीं कि मैं क्या काम गया था, एक्चुअली वो काम मेरा नहीं था यार, जो भाई अपने साथ थे काम उनका था। वो जी फाइनली बहुत तगड़ा जाम था यार, क्रॉस करके बाहर आ गए हैं, शहर अपने में पहुंच रहे हैं वापस धीरे धीरे। जाम बहुत बुरा था यार, 1 घंटा लग गया जीरकपुरी क्रॉस करने में, और मेरे ख्याल से 1 घंटा शायद मैं पहुंच गया था ऑलमोस्ट यहाँ से लुधियाने के आसपास, खन्ने के आसपास, क्योंकि इतना कोई जाम था नहीं। और आप यहाँ देख लो क्या कंडीशन है हाईवे पे, कुछ तो ये सड़कों की मेहरबानी, गाड़ियाँ बेचारी चलती चलती रुकती रहती हैं, टप टप करती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच यार कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है छोटी सी जर्नी का पार्ट बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी अच्छा लगा हो, वैसे तो कुछ ऐसा था नहीं, बट फिर भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि कुछ कमी है तो, और सब्सक्राइब करे बिना तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी आप कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच।